गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने किया रक्षा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन। कहा, रक्षा विश्वविद्यालय देश का गहना है, रक्षा क्षेत्र में चुनौतियां हिसाब से काम जरूरी। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। मोदी के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। कल अहमदाबाद में किया था रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में दांडी साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। दांडी यात्रा के 92 साल पूरे होने पर आयोजन किया गया। होना का जो है वो अर्पण विधि आदरणीय गुरु पतंजलि जी को करें। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान ने की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात। सरकार बनाने का दावा पेश किया। 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे शपथ लेंगे भगवंत मान। राजभवन की जगह भगत सिंह के गांव खटकर कला में लेंगे शपथ। भगत सिंह के सपनों की आजादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। कैबिनेट अच्छी होगी, ऐतिहासिक फैसले होंगे जो पहले पंजाब में ऐसे नहीं हुए। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कल दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा से भी कर सकते हैं मुलाकात। यूपी में सरकार गठन से पहले दिल्ली में सीएम योगी की मोदी अमित शाह और नड्डा से मंत्रिमंडल गठन पर होगी चर्चा। यूपी में होली के बाद शपथ ग्रहण होगा। चुनाव में मिली हार पर शिवपाल यादव का बयान, बोले गलती हुई, संगठन का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। बीजेपी पर लगाया पैसा बांटने का आरोप। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था तो इसमें कहीं कहीं खामियां रही हैं, तो उन खामियों का हमें समीक्षा भी करनी होगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने औपचारिक तौर पर सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपा। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे प्रमोद सावंत। पंजाब के सीएम दफ्तर में नया प्रधान सचिव नियुक्त। वेणु प्रसाद को प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। भगवंत मान के सीएम बनने से पहले नियुक्ति हुई। योगी सरकार गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है। गन्ना किसानों को भुगतान में अगर 14 दिन से ज्यादा का वक्त लगता है तो ब्याज देने के फैसले पर भी मुहर लगाई जा सकती है। ईपीएफ की ब्याज दर घटी। 2021-22 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर घटाकर 8.1% कर दी गई है। 2020-21 में ये दर 8.5% थी। करीब 5 करोड़ लोग ईपीएफओ के सदस्य हैं। अहमदाबाद में आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अगले 5 साल में 1.5 लाख युवाओं को आरएसएस से जोड़ने का लक्ष्य। समाजवादी पार्टी की हार पर बोले SBSP अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जनता को नहीं समझा पाए असली मुद्दे। फ्री राशन पर जनता ने कर लिया विश्वास। देखिए, जिन मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए, या तो हम समझाने में फेल हैं या ABP News आपको रखे आगे।